हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी अली। कैसे हैं आप लोग? आप मेरे को यहाँ टहलते हुए देख रहे होंगे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने स्टार्ट किए वॉक करना, क्योंकि जो फैट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी शुरुआत की जाए। तो मैं आज सुबह सुबह जल्दी उठी हूँ, जबकि मैं रात को 2:30 बजे सोई थी, पर कोई बात नहीं। तो बस मैंने थोड़ा टहला और फिर मैंने पी ब्लैक कॉफ़ी। मेरे को किसी ने बताया था कि सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पी, और ब्लैक कॉफ़ी से अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेश ले जाए होते हैं और एनर्जी भी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। बस फिर खड़े होकर मैंने थोड़ा टाइम लिया, कॉफ़ी पी और अपने इस अकेले वाले टाइम को इंजॉय किया। अच्छा लग रहा था मुझे बहुत, क्योंकि बहुत सारा दिन परेशान काम, घर ये वो, तो बहुत अच्छा लगा। मैं आ गई थी नीचे, फिर मैंने आके सारा काम किया, क्योंकि रात को आजकल मैं काम नहीं करती। और यहाँ मैंने मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि आज घर में आ रहे थे मेहमान, तो बस मैंने मशीन लगा ली थी। यहाँ मैं वेट कर रही थी कि मेरे कपड़े कब धुलेंगे और मैं उस मशीन को बंद करूँगी। और देखो मेरे डार्क सर्कल कितने ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि नींद जो है ना वो पूरी नहीं होती है, इस वजह से डार्क सर्कल हो रहे हैं मेरे। लेकिन कोई बात नहीं। तो और अभी हो गया नेक्स्ट डे, अगले दिन की मॉर्निंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं थक गई थी इतना ज़्यादा, मैंने कुछ शूट नहीं करा। फिर घर में मेहमान, अम्मी वगैरह आए थे, और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना। सुबह सुबह नरगिस का लंच, मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि नरगिस को देना है मुझे लंच, वो लंच लेके जाएगी। तो बस वही बना रही थी और नींद नहीं पूरी होती, इस वजह से थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही थी आज मैं, पर कोई बात नहीं, उसके लिए खाना बनाना ज़रूरी था। तो बस मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई, मेरा मसाला बन रहा है, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई और मैंने बनाई रोटी, और उसके साथ साथ मैं और भी अपने काम निपटाते जा रही थी, क्योंकि किचन वगैरह सब साफ़ रखना था, क्योंकि अम्मी आई थी, फिर गुलाबशाह जी भी आने वाली थी। तो बस इसी चक्कर में बस सब कुछ जल्दी कर रही थी, और नरगिस को लेट भी हो रहा था। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई और बस यही सब, फिर आटा गूंदा, ये रही मेरी रोटी बनाने तैयारी और ये रही मेरी सब्ज़ी। आप देखो देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, मेरे को मटर पनीर की सब्ज़ी पसंद है। तो बस मैंने ये बनाई और नरगिस को टिफ़िन पैक करके दिया, उसको भी वो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी। तो बस रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई और उसका टिफ़िन दे दिया, और काम ख़त्म होने के बाद देखो मेरे चेहरे पर खुशी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि आजकल मैं बहुत थक जाती हूँ। और गुलाबशाह जी आ चुकी है और ये लगी हुई है अपने फ़ोन के अंदर, और मैं बैठ के ना वेट कर रही थी कब फ़ोन कर। और ये देखो मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, मैंने इसे नए कपड़े पहनाए थे, और मैं बस यहाँ वेट कर रही थी बाजी कब बात करके ख़त्म करेंगे और फिर हम लोग बाहर जाएंगे। हम बाहर जाने वाले थे, देखो शुमायरा किस तरीके से आके मुँह बनाती है मेरी वीडियो के अंदर, बहुत परेशान करने लग गई है आज के लिए। फिर बस गुलाबशाह जी मैं निकल गया मार्केट के लिए, क्योंकि बाजी को कुछ कुछ लेना था और मुझे भी बिरयानी बनानी थी, उसके लिए चिकन वगैरह ख़रीदना था। तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी पर वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई। और बाजी ये जो कुर्ते हैं यहाँ पर 150 के, ये ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले 350 के हैं। तो बाजी अपने लिए डेली वेज के लिए कुर्ती देख रही थी, तो ये वाली कुर्ती उन्हें अच्छी लग रही थी, और मैं सिर्फ यहाँ पर, ये देखो कितनी अच्छी मार्केट लगती है, और मैं बस यहाँ पर देख रही थी, क्योंकि ये जो कुर्ती है ना मेरे को फिट नहीं आती है, इस वजह से मैं खड़ी हुई थी साइड में और बाजी अपने लिए ले रही थी, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं बस देख रही थी उनको। और निकलते हुए सारे लोग मेरे को देख रहे थे कर क्या रही है। बस फिर मार्केट की क्लिप तो मुझसे डिलीट हो गई, पर यहाँ हम बना रहे थे दही वाली बिरयानी, तो बिरयानी की तैयारी हमने सारी कर ली थी, ये चढ़ा दिया है पतीला और जल्दी जल्दी हमने बनाई बिरयानी, और टेस्टी बनती है काफ़ी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। ये रहे मेरे चावल जो मैंने कम से कम 1 घंटे पहले भिगो के रखे थे, अब जब तक चावल चढ़ाने टाइम आया ये हो जाएंगे। और अब हम दोनों तीनों आ गए हैं, क्योंकि घर पे बच्चों को छोड़ के जल्दी से मौका नहीं मिलता, तो बच्चों को छोड़ के हम लोग निकल गए थे थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाने। तो वीडियो बनाई, फिर हम लोग पीने लग गए कोल्ड कॉफ़ी, यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। तो काशी भाई और ये कोल्ड कॉफ़ी ले रहे थे और फिर लेके आए, और ये देखो हम लोग स्टोरी बनाने में लग गए थे तीनों के तीनों, काशी भाई और मैं। हम लोग जब साथ में होते हैं ना बहुत मस्ती करते हैं मतलब। और ये देखो ये दोनों अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और मैं अपनी कॉफ़ी को इंजॉय कर रही हूँ, और बस मज़ा आता है मुझे ऐसे टाइम बिताने में इनके साथ। काशी भाई फैमिली का एक मेंबर जैसे हमारे, हमेशा साथ रहते हैं हर चीज़ में,
और बन गई हमारी बिरयानी। ये है हमारा सैलेड रायता और ये रही हमारी बिरयानी। तो कैसी लग रही है आपको बताना ज़रूर। क्या ये मेरे को भी पहले नहीं आते थे, पर मैं गुलाब शाह जी से सीखी हूँ। और ये रहे काशी भाई और ये, इन्हें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो पहले इन दोनों ने खाना खाया। और आप ये मत बोलना कि सो गाइस मेरा व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे फ़ोन में वॉइस नहीं आती, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके फिर डालती हूँ। लेकिन अभी मुझे इनका फ़ोन मिल गया है, तो उसमें मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और कल का ब्लॉग भी ज़रूर देखना, क्योंकि कल का ब्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी अम्मी बाजी हम लोग कल कहीं घूमने जाएंगे। सो कहाँ जाएंगे आपको ज़रूर बताएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। तब तक बाय, सब्सक्राइब करना। जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।